भाई और जानकारी लेते हैं, जो तीन तलाक का जो मसला है पहले भी पूरे भारत के अंदर गूंजा था, भारत में ही नहीं विदेशों के अंदर भी गूंजा था, लेकिन तीन तलाक का मसला है क्या और कल बिल आने वाला है? हमारे बीच में एक नेता हैं और आइए उनसे हम खुद इंट्रोडक्शन लेते हैं। सर आपका नाम? सैयद नईम अख्तर, नेशनल सेक्रेटरी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और बिहार प्रेसिडेंट। जी आज जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि आज नेशनल कमेटी की एक मीटिंग थी जिसमें तमाम बातों पर फैसला लिया गया और ख़ास तौर पर तलाक सलासा पर भी फैसला लिया गया। तलाक सलासा पर बिल कल जो है वो पार्लियामेंट में बीजेपी ला रही है, उसका हम लोगों ने फैसला किया कि बोल्डली उसका विरोध किया जाएगा और उसकी मुखालफत की जाएगी और उसके बाद उसके मुखालफत में हम लोग पास करेंगे। और वो तलाक सलासा पर जो मामला है उस पर मुस्लिम लीग का ये कहना है, उसका स्टैंड ये है कि साहब ये चोर दरवाजे से पर्सनल लॉ में मुसलमानों की शरीयत में ये मुदाखलत है जो बिल्कुल ही जो है गलत है और ये औरतों के मफाद में नहीं हो रहा बल्कि औरतों के मुखालिफ में ये बिल पेश किया जा रहा है। फैक्ट यही है, तो इस सिलसिले में हम लोगों ने बोल्डली इसको कंडेम किया है और कल जो बिल पेश करेंगे पार्लियामेंट में बीजेपी वाले उसका अपोज करेंगे मुस्लिम लीग वाले लोग और इसी पर हम लोग। सर जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो मुस्लिम समाज से हैं तो उनका क्या मानना है, क्या वो उस जब बिल ये पास करें क्या उसमें वो अप्रोच करेंगे? ये तो मामला बना हुआ है, ये पसंदा हमारा बना हुआ है, इस पर कोई मुदाखलत का मामला ही नहीं है, ये तो कम्प्लीट बना हुआ है, इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है कि फिर अलग से कोई अमेंडमेंट किया जाए, अलग से कुछ बनाया जाए, ये तो पर्सनल ने जो बनाया है वो तो बात तो मुकम्मल है, उसमें कोई कमी नहीं है, इसी ये बिल्कुल ही गलत फैसला है गवर्नमेंट का।